इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि कानून को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने अकाली दल पर बड़ा हमला बोला। सिद्धू ने आरोप लगाया कि कृषि कानून का आईडिया अकाली दल ने ही मोदी सरकार को दिया था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम है तो मैं डंके की चोट के उत्ते इट इज विद कन्विक्शन दैट आई से इट इज विद क्लैरिटी दैट आई से के केंद्र के तीन काले कानून इनकी नींव बादलों ने रखी, इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता इन तीन काले कानूनों के बादल हैं। आज सच सारे के सामने रखूं ते पता लग जू कि किसानों का गुनाहगार असल दे विच कौन है, ते भी पता लग जू कि पर्दे दे पिछे गेम की चलती सी ते अज पर्दा फाश भी करो। मैं क्यों कहना कि यह जनक ने, इन्होंने बिल आया इन काले कानूनों का, इन्हों का आइडिया सी और केंद्र की मोदी सरकार को यही लैके गए। पहला इन्हों पंजाब च लागू किया गया, फिर मोदी सरकार को पूरे देश में लागू करवाए। ऐसे कैटागोरिकली मैं तथ्य पेश करदा, 2013 एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट विधानसभा दे विचों पास करवा के लागू किया गया, उसकी नोटिफिकेशन हुई एंड द पर्सन जिन्हें पटल दे उत्ते विधानसभा दे रखिया वॉज नन अदर दैन प्रकाश सिंह बादल। ये उसकी ऑफिशियल उदों की कॉपी है, जे कहो तो मैं पढ़ देना। द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल 2013 2013 मानयोग स्पीकर हुण मुख्यमंत्री जी पंजाब ठेके दे आधार ते कीती जाण वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करना, मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी मैं ये पंजाब ठेके दे आधार ते कीती जाण वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करना। दिस बॉट एंड नोटिफाइड इन दी पंजाब विधानसभा 2013। इहदी नींह उस कानून ने रखी और हुण मैं यह कहना कि वो पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 आत्मा है ते तीन काले कानून मोदी सरकार द्वारा पास किए हुए शरीर ने, जड़े पांच मुढ़ले सेलियंट फीचर्स ने मैं तुम्हें पढ़ के सुना देना। इस कानून विच किते भी MSP की गल नहीं की, कि कारपोरेट किसान की फसल MSP तो घट खरीद नहीं सकता। उन्हों पूरी तरह आधार दिता गया कि वह MSP तो थले खरीद लवे। तो भी आप सुन रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, जो ये बता रहे थे कि जो तीन कानून लाए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो तीनों कानून लाने की जो पीछे सबसे बड़ी वजह है वो है बादल सरकार, और उन्होंने इस बादल को, इसको लेकर यानी अकालियों को घेरा है। फिलहाल वक्त हो गया है
इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालने का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।